दोस्तों आज के दौर में भीख मांगना एक कारोबार बन चुका है और ये लानत अब हमारे मुआशरे में कैंसर की तरह फैल चुकी है। हट्टा कट्टा नौजवान है और भीख मांगता नजर आ रहा है। इस लानत की वजह से लोग कामचोर भी बन गए हैं और कोई मेहनत किए बगैर जब अच्छी रकम मुफ्त में मिल रही है तो इसे छोड़ने को कोई तैयार नहीं है। इन्ही लोगों की वजह से जो मुस्तहिक लोग हैं वो महरूम हो जाते हैं और पूरे के पूरे खानदान हैं जो पेशा वराना भीख मांगते नजर आ रहे हैं। और हमारी उन तमाम लोगों से इल्तमास है कि जो ऐसे लोगों को भीख देते हैं वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान लाजमी सुनेगा। मजीद तफसीलात में जाने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों एक दफा का जिक्र है की एक भिखारी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे भीख मांगने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास क्या है। वो कहने लगा कि मेरे पास तो एक झाड़ू और एक प्याला है, झाड़ू से हम फर्श का काम लेते हैं और एक प्याला है जिसमें हम पानी पीते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ वो दोनों चीजें ले आओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दोनों चीजें ले ली और पूछा कि कौन इन्हें खरीदता है। एक आदमी ने कहा कि मैं एक दिरहम में खरीदता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिरहम से ज़ायद कौन खरीदेगा। फिर उसके बाद एक आदमी ने कहा कि मैं दो दिरहम में खरीदता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ये दोनों दिरहम ले लिए और अंसारी को देकर फरमाया कि एक दिरहम से अपने घर वालों के लिए खाने पीने का सामान खरीद लो और दूसरे से एक कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास ले आओ। जब वो फकीर अंसारी कुल्हाड़ी खरीद कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ इससे लकड़ियाँ काट कर बेचो और अब 15 दिन तक मैं तुम्हें ना देखूँ। फिर उस अंसारी ने आपके हुक्म की तामील की और जब वो 15 योम के बाद आया तो उसके पास 10 दिरहम जमा हो गए थे। इससे उन्होंने कपड़ा और खाने पीने की अशिया खरीदी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मशगला इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि भीख मांगने की वजह से क्यामत के दिन तेरे चेहरे पर दाग पड़ जाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि याद रखो भीख मांगना सिर्फ 3 अशखास के लिए जायज है। एक वो शख्स जो जिल्लत रसा फुकर में मुब्तला हो, दूसरा वो शख्स जिस पर कोई खौफनाक तावान हो और तीसरा वो शख्स जो दीद के इतबार से तकलीफ में मुब्तला हो। यह हदीस मुबारक सुनन अबू दाऊद में बयान की गई है। तो दोस्तों इस हदीस मुबारक में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत करके हलाल रोजी कमाने की तरबियत दे रहे हैं क्योंकि अपनी मेहनत की कमाई में जो बरकत और लज्जत होती है वो दूसरे के दिए हुए माल में नहीं होती। तो दोस्तों आज जरूरत इस अमर की है की इन फकीरों की हौसला शिकनी की जाए जो ऐसे बीच बाजारों में लोगों से भीख मांगते नजर आते हैं और हुकूमत को भी चाहिए की ऐसे अफराद के लिए रोजगार का कोई इंतजाम करे और भीख मांगने वालों को सजा दे। और दूसरा तरीका इस्लाम को खत्म करने का ये है कि हम अपनी जकात को ईमानदारी से निकालें। ये यकीनी बात है कि अगर पाकिस्तान में अमीर तबका सिर्फ जकात ईमानदारी से अदा करे तो गुरबत का खात्मा बआसानी हो जाएगा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तहिक को देने में सवाब का वादा भी फरमाया है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। इसी तरह से एक और जगह इरशाद है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मजीद आने वाली वीडियोस को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। हाजिर होंगे फिर एक नए इन्फॉर्मेटिव और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।